हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज जो है हम देखिए तीन तीन ट्रक ड्राइवर साहब हैं और तीनों ट्रक आप ही का है यहाँ पे। हम लोग एक ही कंपनी के हैं, एक ही कंपनी का है। तो ये सब जो है आज कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आज खाना में? हम लोग सोचे हैं कि आज मटन बनाया जाए। मटन और चावल, मटन चावल, मटन चावल बनेगा अभी आप। तो चलिए देखते हैं ट्रक ड्राइवर साहब जो है कैसे कैसे बनाते हैं, और बोल रहे हैं कि बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाएंगे। हाँ हाँ, स्पेशल तरीके से ही बनाते हैं अपने घर। हाँ। तो वही कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन अपना इंडिया क्या, हर जगह मटन चावल चलता है, हर जगह हर तरीके से बनता है। हम लोग गाड़ी में बनाते हैं। हम लोग इस तरह से गाड़ी में बनाते हैं, वो भी देख लीजिएगा। हाँ। स्पेशल स्वाद होता है। सबसे पहले मटन धोइएगा। मटन तो उधर धोएगा ना। अच्छा, अब मटन कैसे बनाते हैं? मटन कैसे बनाते हैं, जैसे कि अब इसका मसाला जो भी मटन का हो गया, प्याज हो गया। हाँ। ये अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब तैयार करना है। ये गरम मसाला हो गया, ये सब की तैयारी हो गई अभी। अच्छा। मटन में ही जाएगा ये। चावल चढ़ा दें? हाँ, तो चावल चढ़ाओ। हरी मिर्च? हाँ, हरी मिर्च। कितना मटन लाए हैं अभी? मटन लाए हैं अभी 1 किलो तकरीबन मटन है, 1.25 किलो के करीब। 1.25 किलो। हाँ। चावल, वो ड्राइवर साहब चावल धो रहे हैं। हाँ। चावल का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, चावल की तैयारी कर रहे हैं, चावल बनेगा उधर। ये समय जल्दी हो जाएगा ना, एक तरफ मटन बन जाएगा, तरफ चावल बन जाएगा, समय थोड़ा बच जाएगा। हाँ, समय ऐसे ही समय ज़्यादा हो चुका है अभी। हाँ। लेट हो गया, लेट हो गया, बहुत लेट। हाँ। हो गया। आप इतना लेट में खाते हैं खाना, 12 बज गया है। हाँ, यही 12 बज गया, तो अब यही बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ। एक आध 1.5 घंटे के अंदर में बना करके हम लोग खा लेंगे। हाँ, आ गया चावल में पानी। हाँ, ये धो देंगे इसे करके। बढ़िया, एकदम साफ सफाई से। हाँ हाँ, बस खुद बना के खाना है तो साफ सफाई जहाँ तक हो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। क्योंकि एक दिन का तो है नहीं ना, रोज बना करके खाना है, अगर साफ सफाई मोटर में नहीं रखेंगे तब दिक्कत वाली बात है। हाँ। अब हम लोग का तो घर ही गाड़ी ही हुआ। हाँ। गाड़ी में ही रहना है, इसमें बनाना खाना है। आ गया मटन, इधर बनो, इसको साफ कर रहे हैं। हाँ, मटन को साफ किया जा रहा है। एक एक पीस को बढ़िया से साफ करते हैं। हाँ, एक एक पीस को, जैसे बताए ना आपको, जैसे कि इसमें थोड़ा जो ठेहा का कचरा उचरा होगा, और जो हाँ, ये होता है इसका केसुस भी, बाल उल भी थोड़ा लग जाता है, वो सब का साफ करना, जो भी इसको भी साफ करते हैं। हाँ। अच्छा, ये प्याज काटते हैं, कितना प्याज डालिएगा 1 kg मटन में भी? 1 kg मटन में मान के चलिएगा तकरीबन 1/2 किलो के आसपास डालते हैं। 1/2 किलो के आसपास प्याज डाल देते हैं। अच्छा, इसको कूटे कूटिएगा अभी? हाँ, इसका इसको कूटा जाएगा अभी, जैसे कि अदरक लहसुन और मिर्ची हो गया ना, ये तीन चीज़ को कूटा जाएगा अभी बढ़िया से। लगभग मिर्ची जो है 20 पीस डाले हैं। हाँ हाँ, जैसे कि मिर्ची ये ज़्यादा उतना तीखा नहीं है, तीखा नहीं है। हाँ, उसके हिसाब से थोड़ा मिर्ची ज़्यादा दे दी। लाल मिर्च नहीं डालते हैं? लाल मिर्च कम से कम यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं, ये जरूरत के हिसाब से कलर उलर आने के लिए इसको थोड़ा डाल देते हैं। बाकी कूटा हुआ ही मसाला ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग। बनाते हैं तो अपने से बनाए खाने का कुछ अलग टेस्ट तो आना चाहिए ना। हाँ। ये क्या है कूटने वाला? ये कूटने वाला हम लोग का गाड़ी का रिंच है ना, एक इसको जो खोलते हैं। हाँ, वो एक साइड का टूट गया है। हाँ। तो उसको कम यूज ले लिया गया है, बस इसको कूटने में यूज कर लिए। कूटने में बस टेम्प्रोरी बढ़िया रहता है, ये भी जुगाड़ बन गया है। हम लोग के गाड़ी वाले के पास अक्सर इसी टाइप का जुगाड़ रहता है, बाकी कूटने वाला जो आता है एक बाजार से मिलता है। हाँ। उसमें उतना बढ़िया से कूटा नहीं पाता है, कूटा नहीं पाता, इसमें वजन ज़्यादा पड़ता है। हाँ। जैसे अभी काम कम है तो काम के हिसाब से, जैसे अपना बेगूसराय, बरौनी और खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, बिहार भर में ही रहते हैं इस साइड में। काम ज़्यादा रहता है, नेशनल में चलते हैं तो आसाम के इधर चलते हैं, रायपुर चलते हैं, छत्तीसगढ़, पूरा इंडिया घूमते हैं। हाँ, पूरा इंडिया तो नहीं, इंडिया अपना इतना बड़ा है कि पूरा इंडिया तो नहीं घूमते हैं, बाकी इस साइड में जितना भी पड़ जाता है अपने अपने इस साइड में जितना पड़ता है, जहाँ जाने आने में आसानी होगा। हाँ, ऐसा यार, गाड़ी वाले का भी एक लाइन होता है, जैसे कि कंटिन्यू तो ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया वो घूमेगा चारों तरफ, एक सिस्टम होता है, जैसे कि कोई गुवाहाटी चलता है तो दिल्ली से चलता है, कोई अमृतसर से चलता है, कोई काश्मीर से चलता है, हम लोग यहाँ बिहार से चलते हैं, बाकी एक्स्ट्रा इधर रायपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस सब में ज़्यादा आ जाए। ये एकदम कूट के हो गया रेडी?
हाँ ये कूट के रेडी हो गया, तीनों मिक्स करके कूटे हैं, बारीकी से कूट दिए। हाँ इसको बारीकी से कूट दिए हैं, जैसे कि उतना बारीक तो नहीं होता है मिक्सर के जैसा, मिक्सिंग मशीन में जैसा होता है, पर फिर भी हम लोग अपने हिसाब से खूब बारीकी से कूट देते हैं। और ये अपना चिकन धो के रेडी है, मटन धो के रेडी हो चुका है, मटन धो के रेडी कर लिए। हाँ और इसमें पहला नंबर करेंगे कि ये प्याज जो काटे हैं दे देंगे, ऊपर से डालेंगे, नीचे रहेगा मटन। हाँ नहीं नहीं अभी इसको नीचे नहीं रहेगा, अभी इसमें मिलाया जाएगा अच्छे से। ये जो मसाला कूटा गया है ये भी दे देंगे, साथ में तेज पत्ता भी दे देंगे, तेज पत्ता भी इसी के साथ। हाँ हाँ जो भी पड़ेगा अभी इसी में पड़ जाएगा, बस कुछ ऐसा चीज़ और है जो लास्ट में दिया जाएगा। अब जैसे कि हो गया ये मटन मसाला, मटन इतना देना है मटन मसाला, एक पैकेट एक किलो 100 किलोमीटर में हो गया, एक किलो के हिसाब से डाल दिए क्या। हाँ हाँ ये हो गया आपका खड़ा गरम मसाला, हरा गरम मसाला जिसमें इसको कूटते नहीं सीधा ये भेजा। नहीं नहीं इसको कूटते नहीं है, अभी कभी वैसे बनाते हैं तो इसको और भी तरीका है कि जैसे तेल में फ्राई कर दिए या कर दिए, लेकिन कूटते उड़ते नहीं है, कूटते नहीं। इसका क्या है, जो भी मसाला का टेस्ट होता है वो तो मीठ में पता चल ही जाता है। हाँ, बाकी खाने के टाइम में इसको निकाल देते हैं वैसा जरूरत के हिसाब से, इसका जो मसाला का स्वाद होता है वो भींग जाता है। हाँ हाँ बस ये हो गया गरम मसाला। हाँ। गरम मसाला इसमें मिक्स होता है सब, गरम मसाला जो खड़ा डाले हैं। हाँ। वही चीज़ ये पाउडर पे सेम है। हाँ सेम चीज़ है, बस क्वालिटी थोड़ा जिस हिसाब से ये खड़ा हो गया ये पीसा हुआ है, ज़्यादा डालने से भी ये तीखा हो जाता है, तो एक किलो के हिसाब से थोड़ा सा डाले। ये हो गया अपना धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डालते हैं आप क्या है। हाँ धनिया पाउडर भी दे देते हैं। हाँ जैसे कि हल्दी पाउडर हम रखते हैं अपने डब्बे में, जो भी मसाला है सब रखते हैं। हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर है ये, इसको थोड़ा दे देंगे। उसके बाद ये हो गया ये मिक्स मसाला हो गया, जैसे कि चिकन मसाला, मीट मसाला, गरम मसाला, बहुत सारा मिक्स मसाला रहता है, तो इसका भी टेस्ट बढ़िया रहता है, बढ़िया रहता है। ये भी थोड़ा दे दिया, ये हो गया स्पेशल मसाला एक तरह से। हाँ ये थोड़ा इसमें जीरा दे देंगे, जीरा डालिएगा। हाँ अपने हिसाब से, नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते, नहीं भी डाल सकते। ये हो गया ये मिर्ची पाउडर, मिर्च पाउडर। हाँ मिर्च पाउडर कम यूज़ करते हैं फिर भी, लेकिन कलर के हिसाब से ये कलर नहीं बनेगा नहीं डालेंगे तो। हाँ। इसके लिए थोड़ा मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं इसमें हम, कलर बढ़िया आ जाता। हाँ कलर बढ़िया आ जाता बस इसीलिए, बाकी इसको उतना लाइक नहीं करते हम। ये हो गया तेल अपना सरसों का, मतलब तीनों के तीनों ड्राइवर साहब यहीं पे हैं। हाँ हाँ तीनों मिल के मटन मंगवाए कि आप अकेले मंगवाए। नहीं नहीं हम लोग का ऐसा होता है ना कि मिल के ही करते हैं जो भी करना है, एक दिन का तो काम है नहीं भाई। नहीं है बराबर है, अब बाकी कुछ ऐसा पार्टी वूटी हो गया किसी को कोई ऐसा मौका आया तो कोई पार्टी कर दिया वो अलग बात है। हाँ। बाकी अक्सर मिल के ही हम लोग मटन बनाते हैं। हाँ। ये आ गया तेल, कितना तेल डाल दिया इसमें तेल, अब एक किलो मटन है ना तो इसमें तकरीबन 150 से 200 ग्राम के लगभग दे देते हैं तेल, 200 ग्राम दे देते हैं, 150 ग्राम 200 ग्राम के लगभग तो मिलाइएगा। हाँ इसको बढ़िया से मिलाएंगे पहले। अच्छा ये गर्दन का पीस हो गया ना ये। हाँ पीस हो गया, बाकी ये पीस सब बढ़िया है, सब नली और गर्दने का पीस इसमें दिख रहा है। हाँ नली का ये भी पीस बढ़िया है, ठीक है गर्दन का ये जैसे देख लीजिए, कलेजी वलेजी जितना है सब इसी में डाल देते हैं। कलेजी आ गया। हाँ अभी देख रहे हैं ना इसको बना रहे हैं जिस तरीके से, जिस हिसाब से इसका प्रोसेस है अभी ही देखने में बढ़िया लग रहा है। अच्छा ये जो सिलेंडर रखते हैं इसको रखने में रोड लाइन में कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं नहीं दिक्कत नहीं होता है। फैक्ट्री में जाया जाता है तो फैक्ट्री में फिर उसको उतार दिया जाता है। हाँ। फैक्ट्री गेट पे जमा कर दिया जाता है गाड़ी नंबर लिख करके या कुछ नाम लिख करके। अच्छा फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो गैस सिलेंडर उधर नहीं लेके जाते? नहीं यहाँ अलॉट नहीं होता है, कैसे लेके जाइएगा, फैक्ट्री में अलॉट नहीं होता है, बाहर इसको लेके जाते हैं। हाँ। ये चावल हो गया रेडी? हाँ चावल हो गया रेडी, हम अपना कहीं पे इसको पसा लेते हैं। चावल आपको उधर पसाएगा इधर, आप अपना जो है ना। हाँ समय नहीं है उतना ज़्यादा, उस हिसाब से अपना यहीं पे मटन बन जाएगा मटन का। ये मटन में तो जो सब सामान डाले ही हुए हैं। हाँ अब इसको चढ़ा दिया जाएगा, मटन अपना अब ये रेडी होगा, रेडी होने के लिए चढ़ चुका है। तो मटन को आप खोल दिए हैं, अब इसका देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत है। नीचे से जो ये ऊपर नीचे इसको कर देते हैं ना एक बार ये। अब इसमें जो है ना थोड़ा हम नमक दे देंगे क्योंकि उस टाइम नमक अभी तक नहीं दिए। नहीं उस टाइम नहीं दे पाए थे नमक, के ऊपर हम लोग की गाड़ी पे ही था, तो अभी थोड़ा क्वांटिटी में नमक दे दिया जाए। एक किलो के लिए कितना नमक आप चाहते हैं स्वाद अनुसार इसको
इसको बनने में टोटल कितना टाइम लगेगा? अभी मान लीजिए तकरीबन आधा से पौना घंटा इसमें हमको लग जाएगा इसको बनाने में। लगभग 45 मिनट? हाँ लगभग 45 मिनट, क्योंकि अगर ये हम बाहर में अभी बना रहे हैं ना, ये गाड़ी के अंदर बनाते तो थोड़ा हवा हवा गैस में कम लगता है, अभी इसमें गैस में थोड़ा हवा हवा भी लग रहा है, तो एक हिसाब से जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से। मटन को गाड़ी में बनाते हैं तो जल्दी पक जाता है? वो गाड़ी में जल्दी बनाते हैं, जल्दी पकने का कारण है ना, ये अभी बाहर हम बना रहे हैं तो गैस में हवा लग रहा है हवा लग रहा है, तो उस हिसाब से ताव इसमें एक बराबर लग नहीं रहा है, वही हिसाब से थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। मतलब फुल एंजॉय लेते हैं लाइफ का। बस अभी गर्म लीजिए, सबको मिलेगा सब, लीजिए ना, अभी गर्मी के हिसाब से जैसे है ना थोड़ा ठंडक चाहिए, ठंडक चाहिए। ये आ गया स्प्राइट, बैठे बैठे हो जाता है। हाँ बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है, पूरा पानी छोड़ दिया है मटन, पानी इसका लगभग छूट गया है अब, ये थोड़ा थोड़ा बैठने लगा, थोड़ा थोड़ा लगने भी लगा है इसको जो है ना। ये कहे ना कि चूल्हा यहाँ पे एक बराबर ताव नहीं दे पाता है, अभी भी बहुत आधा हुआ है लगभग देखा जाए तो। हाँ वैसे खुशबू जो है इससे बहुत बढ़िया निकल रहा है। हाँ खुशबू तो मसाला तो देखवे किए हैं क्या क्या डाले हैं। हाँ। ज़्यादा पिसा हुआ मसाला यूज कम करते हैं। हाँ अपने हाथ का ही मसाला ज़्यादा बनाते हैं। हाँ वैसे ट्रक पे आप कितने दिन से हैं? ट्रक पे तो हमको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 7-8 साल हुआ है। हाँ ट्रक में जो सैलरी क्या होता है, कैसे कमाई होता है ट्रक में? ट्रक में कमाई क्या होता है? ट्रक में तो कमाई देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हाँ। और बाकी काम के ही ऊपर होता है, गाड़ी चला तो कमाई होगा, नहीं चला तो ड्राइवर को। हाँ महीना पे नहीं रहते हैं? नहीं नहीं महीना का सिस्टम अभी वैसा है नहीं। हाँ। बाकी महीना भी रहता है कुछ जगह पे, तो महीना कुछ ज़्यादा उतना नहीं रहता है। हाँ 3,000-5,000 बस नहीं रहता, नहीं रहता है। टिप पे कमीशन मिलता है? एक पूर्णिया लेके जाएंगे। हाँ वही 2,500 कमीशन देगा। अच्छा एक बार लेके जाइएगा और आइएगा तो 2,500 कमीशन? हाँ 450 रुपया खुराक की रोज देगा। एकदम पानी को पूरा सुखा दिए? हाँ, पानी को भी भून के सुखा देते जितना पानी इसमें से छूटता है। हाँ उसके बाद प्याज जो गलता नहीं है ना, वो भूनने के बाद अच्छा से गला जाता है, जो कि रस में मजा आता है। ये कलर कितना बढ़िया आ गया अभी से। हाँ। अभी भी 10-20 मिनट है इसमें। हाँ 10 मिनट अभी और समय है इसमें। हाँ। एक सामान और मंगाए हैं हम। हाँ उसको डाला जाएगा अभी इसके बाद। क्या उसको लास्ट में डालिएगा? हाँ इसको जब भूनने का समय खत्म हो गया तो फिर उसको डाल देना। डाल देना। हाँ। दिखाएंगे आपको क्या है एकदम पूरा तेल अब छोड़ दिया है क्या? हाँ तेल तो छोड़ेगा ही, अब पानी सब सूखने के बाद तेल ही छोड़ेगा, इसका इंतजार है जब प्याज भुना जाएगा और इसका प्याज पूरा सब जाके मजा बन जाएगा तो समझिए फिर बढ़िया हो जाएगा। आपको जो बताएं जो सामान दही मंगवाएंगे, दही मंगवा के रखे हैं? हाँ दही मंगवा के रखे हुए हैं। अब ये मटन समझिए अपना पूरी तरीका से भुजा चुका है। हाँ तो ये दही इसमें डाल दिया जाएगा, दे दो दही। मटन में दही डालते हैं? हाँ दही डालते हैं। कितना दही है ये? ये दही है 250 ग्राम के तकरीबन, एक पौवा। एक पौवा? हाँ एक पुआ मटन, 1 kg मटन में 1 पुआ दही डालते हैं। हाँ हाँ इस हिसाब से डाल देते हैं। यही है आपका सीक्रेट रेसिपी? हाँ। क्या है? बहुत देर से आप बोल रहे थे कि एक चीज़ मंगवा के रखे हुए हैं जो लास्ट में डालेंगे। हाँ। वो आ गया अब। इसे क्या होता है, टेस्ट बढ़ जाता है? हाँ टेस्ट बढ़ जाता है, और इसके अलावा जैसे खाने के बाद जैसे होता ना किसी मसाला ज़्यादा है उसकी वजह से किसी को दिक्कत होने लगता है। हाँ। तो उसके लिए बढ़िया रहता है ये। हाँ। तो अपना दही दिए इसमें। हाँ। दही देने के बाद ऐसा है कि अभी दही तो मिल चुका है लगभग पूरी तरीका से, और मिलने वाला है। हाँ मिलने वाला है, कुछ वो हो जाएगा पूरा तैयार। हाँ। और इसमें है जैसे हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें थोड़ा पानी दे देते हैं। पानी देने का कारण है कि जैसे सिज नहीं पाता उतने अच्छे से मटन अगर, तो पानी देने के बाद ढकने के बाद सिज जाता है। इसके लिए मटन पानी दे देते हैं। ये आ गया पानी ऊपर से। हाँ पानी ज़्यादा, और ग्रेवी भी थोड़ा सा आ जाएगा। अच्छा क्या ग्रेवी बढ़िया आ जाएगा, और मेन कारण है इसको सीजने का। सीजने का? हाँ मटन हो गया। हाँ, ये समझिए मटन लगभग होगा आपका अपना पक गया, तैयार हो चुका है मटन। वैसे मटन काफ़ी बेहतरीन देखने में लग रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं जैसे ही गैस बंद हुआ नीचे से रोगन ऊपर आना शुरू हो गया है। हाँ, चावल लगा रहे हैं? हाँ चावल। हाँ निकल रहा है एकदम, पूरा थाली थाली हो गया है क्या? कम दिया छः छः के थाली में।
ये सभी प्लेट में चावल लग गया। चावल लग गया सब। अब ये आ गया अपना मटन। क्या ये मटन निकल रहा है अपना? नली वाला पीस मेरे वाला दे दीजिएगा। ये लीजिए। उतना पीस नहीं दीजिए। खाइए खाइए, बहुत है मटन, बहुत है। ये भी दे। नहीं, नहीं, और आप लीजिए ना, तो दुग नली मेरे में दे दीजिए। कोई बात नहीं है, ऐसे तो लाए होंगे अपने लिए नली। नहीं सब नली वाला ही पीस है, सब बढ़िया पीस है। ठीक है, इसमें भी नली, इसमें भी नली, इसमें भी बढ़िया पीस है। पीस में कोई ये नहीं है, दिक्कत, बढ़िया पीस है, सब बढ़िया है। बढ़िया है, ग्रेवी भी बढ़िया बना है। ग्रेवी मोटा है क्या? कलर एकदम मस्त है ग्रेवी का। ग्रेवी ऐसे नहीं बनना चाहिए, लस्सी का जो है ना। हाँ, ग्रेवी छोड़ना चाहिए, ग्रेवी इसका रहना चाहिए। हाँ, ऐसा ही ग्रेवी रहेगा, ठीक रहेगा, खाने में मज़ा आ जाएगा। इसको तो रोटी के साथ में और अच्छा लगता, रोटी के साथ में और अच्छा लगेगा, बड़ी मज़ा आता। अरे रोटी नहीं, चावल में कैसे कैसे खा जाएगा, लेकिन रोटी मस्त लगता है। मन कर रहा है कि रोटी बना ले। चावल लाए थे तो हम बोले तुम्हारा चावल लाइए हैं, रोटी बनाएंगे। ये बोले नहीं, चलो चावल ही बना लेंगे जल्दी, लेट हो गया था, कहा कि अब नहीं हो सही हो, 2 बजने वाला होगा, चावल रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एकदम गर्मा गर्म प्लेट लगा। कैसा बनाए? खाइए, किसी होटल से कम नहीं लगेगा। होटल से कम नहीं लगेगा, उससे बढ़िया लगेगा। हाथों से नहीं बनाए हैं खुद के। और आज अपना, अपना खाना है अपना जैसा। ये आ गया चावल और ग्रेवी। बना, ठीक बना, मज़ा आ गया। मतलब एक स्पेशल स्वाद है इसमें, अभी तक जितने भी जगह खाए हैं सबसे अलग। थोड़ा सा वो दही जो डाले ना, वो स्वाद एक नंबर दे रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब मटन हो तो इस तरह का क्या। एवं इधर देखिए, ये मटन जो रोगन छोड़ा है, तेल पूरा इधर आ गया है, पानी जो डाला गया है पूरा पानी सूख गया है, और पूरा एकदम गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी है, देख रहे हैं, तो मज़ा आ जा रहा है खाने में इसको। और चावल में से मिलाइए, खाइए, एकदम एक नंबर लगेगा खाने में। हम बोल रहे हैं आपको, ये खाना इतना टेस्टी है ना, हम लोग खा चुके हैं ज़्यादा। हाँ। हमारे कैमरामैन के मुँह में पानी आ रहा है कि हम भी आ रहा के खाए। आ जाओ भाई, आप भी खा लो आ करके भाई। उनके लिए भी प्लेट लगा हुआ है। एक चीज़ हम के लोग बहुत शिकायत करता है, जो कि आगे आपको बताएंगे भी, जैसे आपके साथ खाए, इतना सारा कमेंट आया कि भाई आप जा रहे हैं फ्री में खा रहे हैं वहाँ। नहीं नहीं, ऐसा फ्री में नहीं है, फ्री में अभी जो है आपको हम 500 रुपया सिर्फ मटन का दाम देंगे, आप ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, पहले बार जो बनाए थे ना, उनको भी दिए, अब कैमरा में दिखाना ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि आपको 500 रुपया। सही बात, सही बात है। और लोगों को लगता है गया ड्राइवर साहब अपने लिए मटन लाए हैं, जाके बीच में घुस के खा लिया। तो ये आपको खाना बोलता है, हाँ कमेंट आ जाता है, लेकिन अभी तक 3-4 जगह खाए हैं, अब कैमरा में दिखा के रुपया देंगे तब अच्छा होगा। नहीं, 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 ये तो अच्छा बात है, ड्राइवर साहब का भी वो हो जाएगा कि वो मेरा रुपया देते हुए ये वीडियो ले लिया। क्या हम वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं? नहीं, देखिए आदमी का काम है कमेंट करना, कमेंट नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा। किसी भी जगह चले जाइए, सिर्फ खाने में नहीं, हर काम में, हर आदमी का हर हिसाब का कमेंट रहता है। अच्छा कमेंट हो या बुरा, कमेंट तो वो करते हैं। देखिए अब आपको पीस दिखा के कितना बढ़िया से पका हुआ है, ये देखिए आराम से ये टूट जा रहा है, देख रहे हैं अंदर तक एकदम घुला हुआ है। ये आ गया पीस और ये चावल। ग्रेवी में जो स्वाद है मटन के अंदर तक वही स्वाद है। पानी जो डाले उसी कारण में अंदर तक घुसेगा। पानी जो है, पानी बहुत चीज़ काम का चीज़ है, नहीं डालेगा पानी में खाली ऐसे सिझाएगा तो नहीं वैसा मज़ा आएगा। मज़ा नहीं, पानी जो डाल दिए उसको जो है तोड़ दिया पूरे सिझा कर। जब भी चिकन बनाई है तो चाहे मटन बनाई है, उसको डुबा दीजिए, पूरा पानी डाल, पानी से डुबा दीजिए, तब जाके उसमें रंगत आएगा। देखिएगा सीझने के बाद अपने अलग जाएगा, पानी से ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, तब समझिए सीझ गया, सीझ गया। तो चलिए जल्दी जल्दी हम सब इस प्लेट को ख़त्म कर दें क्या,
और आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे जगह के साथ, अच्छे खाना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ड्राइवर साहब, बाय बाय।